दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 39,36,747 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 30,37,151 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 68,472 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि रोजगार, आमदनी, अर्थव्यवस्था गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 12 करोड़ रोजगार गायब है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था गायब है, आम जनता की आमदनी गायब हो गई है, लेकिन सरकार से सवाल पूछा तो इधर से कोई जवाब नहीं मिलता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 12 करोड़ रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, विकास गायब है। दोस्तों आपको बता दें कि असल में राहुल गांधी लगातार ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को विफल बताकर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर हमला था। 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। इसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या इससे कालाधन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ, दोनों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला, आपका पैसा घरों से निकालकर उसका प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ करने में किया गया। उन्होंने कहा कि देश का असंगठित क्षेत्र कैश पर काम करता है, नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहते थे, अगर ऐसा होता तो ये क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को इससे नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता का कहना था कि छोटे कारोबारी बिना कैश के नहीं जी सकते, हमें नोटबंदी के इस हमले को पहचानना होगा और देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो राहुल गांधी से सरोकार रखते हैं, यानी कि राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर आई सरकार की गाइडलाइन, जानिए कब तक रहेंगे बंद। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार 4 सितंबर को बताया कि दिल्ली में सभी छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 20 सितंबर से पहले किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली के स्कूली छात्रों को कोरोना की वजह से किसी भी तरह के काम के लिए 20 सितंबर तक स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र अपनी मर्जी से गाइडेंस के लिए अपने स्कूल जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र माता पिता की अनुमति से या फिर अपनी मर्जी से 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की जाएगी, जिसका पालन स्कूलों द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों अब ये साफ हो गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, पर कंटेनमेंट जोन के बाहर के 9वीं से 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से अपने मर्जी से अपने स्कूल जा सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसे में स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पबजी मोबाइल अब भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया, अब नहीं होगा डाउनलोड। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे पसंदीदा मोबाइल गेम्स में से एक पबजी मोबाइल पर भारत में बैन लगा दिया गया है। बुधवार शाम केंद्र सरकार ने जब 118 चीनी ऐप को भारत में बैन करने की घोषणा की तो उसमें पबजी का नाम सुनकर सब कोई चौंक गए थे। अब ऐप को बैन किए जाने के बाद लगभग 2 दिन बाद भारत में इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पबजी ऐप साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल का है, लेकिन इसमें चीनी कंपनी टेंसेंट का निवेश है। ऐसे में डेटा चोरी के शक के चलते अन्य चीनी ऐप के साथ पबजी को भी बैन कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि पबजी मोबाइल जहाँ भारत में बैन हुआ है, वहीं पबजी डेस्कटॉप या पबजी पीसी अभी भी भारत में बैन नहीं हुआ है, क्योंकि पबजी डेस्कटॉप पर अभी भी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का मालिकाना हक है, इसलिए शायद इसे भारत में बैन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अभी भी पीसी पर पबजी खेला जा सकता है, लेकिन मोबाइल की तरह पबजी पीसी फ्री नहीं है और इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। पबजी वेबसाइट के अनुसार इसके लिए आपको 999 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप पैसे खर्च करके पबजी खेलना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि नवंबर की किस्त चाहिए तो अभी से कर लें ये काम, वरना अटक जाएंगे पैसे। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को देश भर में 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। लेकिन अगर आपके खाते में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि आपके खाते में कुछ गड़बड़ी हो, जिसकी वजह से पैसे नहीं आए हैं। तो आप नवंबर वाली किस्त जारी होने से पहले ही अपनी इन गड़बड़ियों को सुधार लें, जिससे कि आपको आगे की ये किस्तें मिल सके। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि हो सकता है आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी रह गई हो, या फिर आपके आधार नंबर, अकाउंट नंबर या फिर बैंक डिटेल्स में अंतर होने की वजह से भी कई बार खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता।
इसलिए आप इन सभी गड़बड़ियों को सुधार लें जिससे कि आपको नवंबर वाली किस्त मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें और इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखापाल या फिर कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहां आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। दोस्तों यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको इस योजना का फायदा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बेकार हो सकता है आपका फास्टैग अगर 30 सितंबर तक नहीं किया ये काम। दोस्तों आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी टोल नाकों पर फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए ये सिस्टम जरूरी किया गया था। सरकार के इस ऐलान के बाद से सभी लोग वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी SBI फास्टैग कस्टमर हैं तो आप अपने फास्टैग अकाउंट में पैन कार्ड की फोटो को अपडेट कर लें। SBI ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया है। बैंक ने मैसेज में लिखा है कि SBI फास्टैग कस्टमर अपने अकाउंट में पैन कार्ड को अपडेट कर लें। जो भी ग्राहक पैन कार्ड को 30 सितंबर 2020 तक अपडेट नहीं करता है तो वह फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएगा। और दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जुर्माने की रकम उस वाहन पर लगने वाले टोल फीस से दुगनी होगी। आपको बता दें कि फिलहाल ये नया नियम 15 मई 2020 से लागू हो चुका है। वहीं इससे पहले बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में घुसने पर यूजर को दुगना टोल टैक्स देना होता था। और दोस्तों आपको बता दें कि फास्टैग वैलिड या फिर क्रियाशील नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में भी वाहन चालक को दुगना टैक्स देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि RBI ने बदल दी है लोन लेने के नियम, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि PSL से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के नए नियमों का फायदा छोटे किसानों को भी मिलने वाला है। रिजर्व बैंक के संशोधित नियमों के तहत 50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप किसानों को सोलर प्लांट लगाने और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि RBI ने कहा है कि नए दिशा निर्देशों में प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन दिए जाने में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जिन जिलों में प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिए जाने वाले कर्ज का फ्लो अपेक्षाकृत रूप से कम है उन्हें अधिक तवज्जो दिया जाएगा। RBI के मुताबिक इस पहल से नवीनीकरण ऊर्जा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। आपको बता दें कि नवीनीकरण ऊर्जा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन की सीमा को दुगना तक बढ़ाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बता दें कि DTC बसों में और सेफ होगा सफर, सरकार करने जा रही है यही व्यवस्था। दिल्ली में अब DTC बस का सफर और सेफ हो जाएगा। राज्य सरकार लगभग 5,500 DTC बसों और क्लस्टर बसों को अपग्रेड कर रही है। परियोजना का उद्देश्य DTC और क्लस्टर योजना की बसों में IP आधारित CCTV निगरानी कैमरे, पैनिक बटन और GSP से यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों को सुरक्षा देना है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि ये परियोजना टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL चला रही है जिसके दिसंबर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। सभी DTC और क्लस्टर बसों में 3 IP कैमरा, GPS डिवाइस, 10 पैनिक बटन, ड्राइवर के लिए 1 डिस्प्ले हूटर, 2 ऑडियो कम्युनिकेशन डिवाइस, 1 ड्राइवर और 1 कंडक्टर के लिए फिट किया जाएगा। यात्री, ड्राइवर या फिर कंडक्टर किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन को दबा सकते हैं। अलर्ट स्वचालित रूप से वास्तविक समय में कश्मीरी गेट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चला जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे ATM से कैश विड्रॉल। दोस्तों आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के RBL बैंक ने ATM से बिना कार्ड के कैशलेस पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत कर दी है। RBL बैंक ने कहा कि उसने इंस्टेंट मनी ट्रांसफर यानी कि IMT प्रणाली का लाभ उठाते हुए ATM से कैश विड्रॉल की निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। यानी कि अब ATM पर बिना डेबिट कार्ड के भी कैश विड्रॉल हो सकेगा। इस सुविधा के लिए बैंक ने ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी M-Pesa पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया है। बैंक ने अपने विज्ञप्ति में कहा है कि ग्राहक अब RBL बैंक के IMT सर्विस के तहत 389 ATM और अन्य बैंकों के 40,000 से अधिक ATM से बिना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए हुए पैसे निकाल सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि IT सेक्टर में आएगी 60 लाख से ज्यादा नौकरियां, सरकार ने की है ये व्यवस्था। IT सेक्टर में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर 25 तक के लिए IT सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में इस सेक्टर में 60 लाख से ज्यादा जॉब आ जाएगी। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस नीति से देश के ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में IT उद्योग का योगदान लगभग 30% हो सकेगा। सरकार के मुताबिक नीति ये तय करेगी कि राज्य इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अपने नेतृत्व की स्थिति को बरकरार रखे। इस नीति में स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और बेंगलुरु
से दूर निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्नाटक का आईटी उद्योग सबसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है और 80% वैश्विक आईटी कंपनियां यहीं से अपना कारोबार करती हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बिहार के साथ ही होंगे 65 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। चुनाव आयोग ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच आज चुनाव आयोग ने देश में चुनाव आयोजित कराने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। चुनाव आयोग ने देश भर में एक साथ बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एक समय पर बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर एक ठोस वजह बताई है। आयोग के मुताबिक उन्हें एक साथ जोड़ने के प्रमुख कारणों में से एक CAPF और अन्य कानून और व्यवस्था बलों और चुनाव से जुड़े अन्य लॉजिस्टिक के एक साथ इस्तेमाल करना है। चुनाव की तारीखों को लेकर हो रहे सवालों पर भी चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ कर दी है। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और साथ ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग द्वारा उचित समय पर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पबजी बैन होने के बाद अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं मेड इन इंडिया गेम फौजी। जानिए इसकी खासियत। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित चीन की कंपनियों से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्हें भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बाद अब अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए मेक इन इंडिया मल्टीप्लेयर एक्शन गेम की अनाउंसमेंट कर दी है। इसका फायदा भारतीय सेना के जवानों को भी पहुंचेगा। दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर गेम फौज की घोषणा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मूवमेंट का सपोर्ट करते हुए मुझे मल्टीप्लेयर एक्शन गेम की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौज यानी कि फौजी मनोरंजन के साथ प्लेयर सैनिकों के बलिदान के बारे में भी जानेंगे। शुद्ध राजस्व का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को भी दान किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि KBC 12 के सेट से आई है पहली तस्वीर। दो दिन बाद से शुरू हो रही है शूटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद इस शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने शूटिंग शुरू कर दी है। अब KBC 12 का सेट पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसका नया लुक भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि हाल ही में KBC 12 के दो मेंबर्स के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। सोनी टीवी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर KBC 12 सेट की पहली तस्वीर साझा की है। नीले रंग में ये बेहद ही शानदार लग रहा है। इस फोटो के कैप्शन में लिखा गया है कि आज से दो दिन बाद यानी कि 7 सितंबर से शूटिंग शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत चीन आमने सामने। आर्मी चीफ ने कहा कि LSC पर स्थिति नाजुक, हम पूरी तरह से हैं तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LSC पर फिलहाल स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण और गंभीर है। नरवणे ने लेह का दौरा करके हालात का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा कि उन्होंने वहां पे तैनात ऑफिसर्स और JCO से बात भी की है और सेना की तैयारियों की समीक्षा भी की है। नरवणे ने कहा कि लेह पहुंचने के बाद उन्होंने कई इलाकों का दौरा भी किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे जवान सबसे बहादुर जवान हैं और ये न सिर्फ इंडियन आर्मी का बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। अभी जो LSC के ऊपर स्थिति है वह थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इस विषय पर सोच विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पप्पू यादव बोले सत्ता मिली तो 3 साल में बिहार होगा एशिया का नंबर 1 प्रदेश। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में अगर वह लीड करे तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस को दलित नेतृत्व देना होगा। पप्पू यादव ने दावा किया कि वे सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित राजनीति को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी इस बात के लिए समझाऊंगा कि नीतीश कुमार के झांसे में ना आए और JDU के साथ ना जाएं। मांझी के जरिए दलित समुदाय की सियासत पर वार करने की रणनीति बनाई गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शनिवार को बैंक खोलने की दी इजाजत। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर शनिवार को बैंक खोलने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में कोविड-19 महामारी की वजह से पूर्व में जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है।
दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बैंक जो आमतौर पर सप्ताह के दूसरे शनिवार को काम करते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 के मद्देनजर सप्ताह के अंत पर बंद रहने के लिए कहा गया था। 20 जुलाई को जारी एक आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार ने बैंकों से सभी शनिवार को छुट्टियों के रूप में घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन 3 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया कि शनिवार को बैंकिंग संचालन की अनुमति देने का निर्णय वर्तमान स्थिति और सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में छूट को देखते हुए लिया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि सभी बैंक शाखाओं को शनिवार को काम करने की अनुमति दी जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि तिब्बत के मुद्दे पर चीन को बख्शने के मूड में नहीं है बिडेन, अभी दे डाली प्रतिबंध लगाने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही चीन का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही चीन को लेकर काफी आक्रामक भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब काफी समय से इस मुद्दे पर चुप रहने वाले बिडेन भी मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तिब्बत पर पकड़ मजबूत करने के लिए चीन की विस्तार योजना की कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बत की संस्कृति में कुछ बदलाव करने का जिक्र किया था। उनके बयानों का अर्थ सीधे तौर पर ये था कि तिब्बत के लोगों को चीन के ही कहे अनुसार चलना होगा। बिडेन ने चीन की इसी सोच पर अब कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले समय में मैं राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होता हूं, तो उनका प्रशासन तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि लद्दाख में चीन के खिलाफ भारत के पलटवार से सहमा पाकिस्तान, अब पाक मीडिया को सता रहा है ये डर। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में ब्लैक टॉप पर जब से भारतीय सेना ने कब्जा किया है तब से पाकिस्तान में रेड अलर्ट हो गया है। चीन के भरोसे पाकिस्तान कश्मीर का ख्वाब देख रहा था और उसके साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर की बात कर रहा था, लेकिन जब से ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा रहा है तब से इस्लामाबाद में इमरान खान और बाजवा के होश उड़े हुए हैं। भारतीय सेना क्या कर सकती है और कितनी तेजी से किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, इसने सिर्फ चीन को ही नहीं चौंकाया बल्कि चीन के चेले पाकिस्तान को भी डरा दिया है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, अहिंसा परमो धर्म पर यकीन करता है, लेकिन जब बात देश की गरिमा की आती है तो पूरे श्लोक का उच्चारण भी करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत ने तनाव खत्म करने के लिए बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन ने अपनी चालबाजी बंद नहीं की तो सेना ने अपने शौर्य की एक छोटी सी झलक दिखाई और बीजिंग तक में टेंशन हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि LSE पर जो कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाजा पाकिस्तान में मचे हड़कंप से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में तो यहां तक कहा जा रहा है कि भारत चीन को एक बार फिर भी छोड़ देगा, लेकिन भारतीय शूरवीर पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं कोंकण, गोवा के दक्षिणी भागों, उड़ीसा और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश अच्छी हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।